कचरे वाले ससुराल आई गरीब बहू। गरीब सीता अपने बेटे अखिलेश को कचरे के ढेर के पास ही हल्दी लगा रही होती है और उसकी बेटी गौरी कचरा बीन रही होती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी ही होना था। एक तो इस कचरे के ढेर में हम गरीबों को पहले इतनी कठिनाई झेलनी पड़ रही है, ये क्या काम है जो बारिश ने और मुसीबत बढ़ा दी। माँ, ऐसे में हम अखिलेश भैया की बारात लेकर कैसे जाएंगे? काश अगर हम भी अमीर होते तो अपने भैया की शादी के लिए बड़ा सा बैंक्वेट हॉल बुक करते और बड़ी धूमधाम से शादी करते। शायद हम गरीबों की किस्मत में एक कचरे के ढेर में ही जिंदगी काटना लिखा है। कर्म का लिखा तो काटना ही पड़ता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज के बाद जब बहू हमारी झोपड़ी में आएगी तो उसे कहाँ बिठाएंगे, कहाँ रखेंगे अपने घर की लक्ष्मी को, इस कचरे में। ये कहते कहते सीता की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। तभी गठिया बीमारी से ग्रस्त बुधन कहता है, ऊपर वाले पर भरोसा रखो भाग्यवान, उसके घर देर है अंधेर नहीं। क्या पता हमारे घर की लक्ष्मी के कदम पड़ने से हम गरीबों का भाग्य बदल जाए। गरीबी के चलते सीता का परिवार अखिलेश की शादी मंदिर में करता है और कविता बहू बनकर आ जाती है। कविता बहू, तुम तो जानती हो हमारे पास ना तो घर है ना ठिकाना, इसलिए इस कचरे में झोपड़ी डालकर दिन काट रहे हैं। जो है बस सर छुपाने को यही है। माँ जी, मैं खुद भी गरीब घर से हूँ, बहुत गरीबी देखी है, इसलिए समझती हूँ गरीबों के लिए दो वक्त की रोटी कमाना ही बड़ी मुश्किल होती है। मगर अब से यही मेरा घर संसार है। सीता रोते हुए कचरे वाले ससुराल में ही अपनी गरीब बहू का गृह प्रवेश करती है और अब वह भी अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर कचरा बीनती है। बहू, ये तो क्या कर रही है, तू क्यों कचरा बीन रही है? क्यों माँ जी, क्या मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं? ऐसा नहीं है बहू, इस कचरे में से उठने वाली बदबू तुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। माँ जी, जब मेरे गरीब ससुराल वाले भी तो दो वक्त की रोटी के लिए इस कचरे की बदबू को सह रहे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं? इसके बाद सभी मिलकर कचरा बीनते हैं। लो माँ, मैंने दिन भर में आज इतना कचरा बीना है। अखिलेश बेटा, जा जाकर ये सारा कचरा कबाड़ वाले को बेचा और राशन पानी ले आना। जी माँ। अखिलेश सारा कचरा ले जाकर कबाड़ वाले को बेच आता है। बदले में उसे बहुत थोड़े पैसे मिलते हैं, उसी से वह थोड़ा खाना खा पाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। उनके हर दिन की सबसे बड़ी दुविधा थी दो वक्त की रोटी खाना। ऐसे में कभी कचरा मिलता तो कभी बिल्कुल नहीं, जिस वजह से उन्हें ऐसे भी दिन देखने पड़ते। वह उन सभी को कई कई दिन तक भूखे ही सो जाना पड़ता। तभी एक दिन जब वह सभी कचरा बीन रहे होते हैं, तभी म्यूनिसिपालिटी वाले ट्रैक्टर से उनकी झोपड़ी उनकी आंखों के सामने तोड़ देते हैं। गरीबी से झुंझला कर सीता उन्हें बहुत सुनाती है। अरे निगोड़ो, ये क्या किया तुमने? अरे क्या मिल गया तुम्हें हम गरीबों का घर तोड़कर? अब हम कहाँ रहेंगे? तुम गरीब लोग कभी फुटपाथ पर जम जाते हो और कभी कचरे में। बाप का राज समझा है क्या? ये सरकारी जगह है, तुम गरीबों को यहाँ कचरा बीनने दे रहे हैं, यही बड़ी बात है। दोबारा झोपड़ी बनाई ना तो अगली बार झोपड़ी के साथ साथ तुम सबको भी उड़ा दूंगा। चलो रे। क्यों, आखिर क्यों इस दुनिया की नजर में हम जैसे कचरे में रहने वालों की कोई इज्जत नहीं? हम कैसे रहेंगे इस कचरे में? ले देकर बस वो एक झोपड़ी तो थी, वो भी इन जालिमों ने तोड़ डाली। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम फिर से अपना घर खड़ा करेंगे। कविता कचरे में एक तिरपाल फिका हुआ देखती है, जिसे वह गरीब बहू बांध कर अपनी कचरे में रह रहे ससुराल वालों के लिए आसरा बनाती है। अक्सर कचरा बीनते समय उनके हाथ पांव में कचरे में से कांच पत्थर भी चुभ जाते, जिसमें दो रोटी खाने के लिए उन्हें खून भी बहाना पड़ता और काफी दिक्कत उठानी पड़ती है। अजी, आप राशन ले आए? कविता, कचरा सेठ ने इतने सारे कबाड़ के बदले बस ये 10 रुपए ही दिए हैं। अजी, हमने दिन भर लगाकर उतना सारा कचरा बीना था और बस ये 10 रुपए, इसमें तो हम दो वक्त की रोटी भी नहीं खा पाएंगे। जाने दे बहू, हर कोई 4 पैसे कमाने बैठा है। आप लोग नहीं जानते, इस कचरे में बहुत कमाई है माँ जी। ये कबाड़ी वाले हम जैसे गरीब कचरा बीनने वालों को 5-10 रुपए पकड़ा देते हैं और खुद उसकी अच्छी कीमत लेते हैं, क्योंकि ये जो बोतल प्लास्टिक की सारी चीज है, ये कचरा दोबारा काम में लाया जाता है।
अब से हम सीधे अपना कचरा वहाँ बेचेंगे जहाँ हमें इसकी अच्छी कीमत मिले, और इसीलिए अब हम सब अलग अलग कचरा बीनेंगे, जैसे कोई बोतल बीनेगा तो कोई थैली और कोई लोहा प्लास्टिक। अपनी गरीब बहू की बात पर अमल करके अगले दिन से उनके ससुराल वाले भी उसी हिसाब से कचरा बीनते हैं और आखिर में उसे इकट्ठा करके बड़े कबाड़ी वाले को बेचते हैं। बदले में उन्हें ठीक ठाक पैसे मिलते हैं, जिससे बहू राशन पानी लाती है और कचरे में ही बैठकर चूल्हे पर रोटी बनाकर खाने को देती है। माँ जी, बाऊ जी, आप दोनों एक एक रोटी और ले लीजिए, आपका बुढ़ापे का शरीर है, आपका भरपेट खाना जरूरी है। कविता उनकी थाली में एक रोटी डाल देती है। बहू, तू सारी रोटियां हमें ही खिला देगी तो खुद क्या खाएगी? तू भी तो भूखी है, सुबह से कचरा भी नहीं है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप दोनों पेट भर कर खाइए। बहू, तेरी समझदारी से हमें दो वक्त की रोटी तो भर पेट मिलने लगी है, बस अब तेरी ननद का घर बस जाए। मगर क्या माँ जी, हम जैसे कचरे में रहने वाले गरीब घर की बेटी से कौन रिश्ता जोड़ेगा? माँ जी देखना, ननद जी की शादी अच्छे घर में होगी। थोड़े दिन में कविता की ननद को देखने वाले आते हैं। आंटी जी, आपने तो कुछ खाया भी नहीं, नाश्ता पानी कीजिए ना। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, वैसे ये पानी साफ तो है ना, कहाँ से भरा है? कचरेदान के बाहर एक प्याऊ है, वहीं से भरते हैं। पुष्पा आंखें गड़ाकर उनके गरीब तिरपाल वाले घर को और कचरा दान को घिन से देखने लगती है। तभी, तो फिर क्या सोचा आपने बहन जी, आपको हमारी बेटी पसंद तो है? नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, अगर मैं एक ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ूंगी जो कचरे में रह रहे हैं, तो रिश्तेदारी में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, ना घर है ना कोई ठिकाना। बातों ही बातों में पुष्पा कविता के कचरे में रह रहे ससुराल वालों को बड़ा नीचा दिखाती है। सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी, आपने ठीक कहा माँ जी, हम इस गंदगी में कचरे में रहते हैं, मगर आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम जैसे कचरे वाले समाज में ना हो तो हर एक मोहल्ला हर एक घर कूड़े कचरे से भर जाएगा? वो तो हम गरीब ही हैं जो सभी के घर की निकली गंदगी और कचरे को साफ करते हैं। कविता की कड़वी बात से पुष्पा चुप हो जाती है और चंदन कहता है, भाभी मैं आपकी नंद गौरी का हाथ थामने को तैयार हूँ। मैं करोड़ों रुपए तो नहीं कमाता, एक बैंक में क्लर्क हूँ, मगर इतना कमा लेता हूँ कि आपकी नंद को खिला सकूँ। उसके बाद वह गरीब बहू अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर कचरे में ही अपनी गरीब ननद की शादी की हल्दी मेहंदी पीसती है। बहू, हल्दी मेहंदी तो जैसे तैसे हो जाएगी, मगर शादी का मंडप, टेंट और बाकी के खर्चे हम कैसे देखेंगे, पैसे तो हैं ही नहीं। मैंने कुछ पैसे गौरी की शादी के लिए जोड़ रखे थे, जब से हमने कचरा बीन कर बड़े कबाड़ी वाले को बेचना शुरू किया था ना, मैं हर रोज थोड़ा पैसा अलग रख देती थी, क्योंकि हम घर में दो वक्त की रोटी खाने में जितना खर्च करते हैं वो नहीं रुकता, मगर थोड़ी थोड़ी बचत से आज वो शादी में लगाने के काम आएगा। यह देखकर गौरी की आंखें भर आती हैं। भाभी, आपने हम सबके लिए जितना किया है उसके लिए शुक्रिया कहना बहुत कम है, और आज मेरा घर बसने जा रहा है। देख, रुला दिया ना, ये खुशियों की घड़ी है ननद जी, चलो अभी तो तुम्हें हल्दी भी लगानी है, बहुत से काम भी बाकी हैं। फिर सभी गौरी को हल्दी लगाते हैं और इसके बाद कविता एक पांव पर कचरे की जगह को साफ करके शादी का मंडप बनाती है और गौरी विदा हो जाती है, जिसके बाद कविता और उसके गरीब ससुराल वालों को सरकार की तरफ से उस कचरे की जगह को दे दिया जाता है और उन्हें हर महीने सरकार पैसे भी दिया करती है, जिससे उनके हालात ठीक हो जाते हैं। ठंड में पांच गरीब प्रेग्नेंट बहू का घास घर। माँ, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। तुम पांचों बैठो, मैं तुम लोगों के लिए अभी खाना लगाती हूँ। अरे सुमित बेटा, तू उल्टे हाथ से खाना क्यों खा रहा है? माँ, आज ईंट उठाते समय कुछ ईंट हाथ पर गिर गई थी, इसलिए हाथ में सूजन आ गई, लेकिन आप फिक्र मत करना, सुबह तक सूजन ठीक हो जाएगी। हे भगवान, ऐसे बेटे हर माँ को दे जो दिन रात मेहनत करके बिना अपने बारे में सोचे अपनी माँ का ख्याल रख रहे हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद तुम पांचों ने अपनी पढ़ाई छोड़कर बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ मेहनत ही मेहनत की है, लेकिन तुम पांचों शादी कब कर रहे हो? तुम पांचों की शादी की उम्र हो चुकी है। माँ,
अभी हम पांचों में से कोई भी शादी करना नहीं चाहता है। हम पांचों पहले कुछ बनना चाहते हैं ताकि हमारी आने वाली पत्नियों को किसी बात की कोई परेशानी ना हो। मैं तुम पांचों की बात समझ सकती हूँ, लेकिन अब मेरी भी उम्र हो चुकी है। भगवान ना करे कल को मेरी आंखें बंद हो गई तो तुम पांचों का क्या होगा। इसलिए मैं अपनी मौत से पहले तुम पांचों का घर बस्ता देखना चाहती हूँ। माँ ऐसा मत कहो, अगर आप यही चाहती हो तो ठीक है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। अपने बेटों की बात सुन कलावती बहुत खुश होती है और पंडित जी से कहकर अपने पांचों बेटों के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद कुछ ही महीनों में कलावती अपने पांचों बेटों की शादी करवा देती है। मेरी पांचों बहुओं, स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे इस नए घर में। बहू मुझे माफ कर देना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं है। माँ जी, हमारे लिए तो आपका प्यार और आशीर्वाद ही काफी है, हमें आपसे इनके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। पिछले जन्म में जरूर मैंने कोई पुण्य का काम किया होगा जो मुझे इस जन्म में इतने अच्छे बेटे और इतनी अच्छी बहू मिली है। मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। कलावती की पांच बहुएं उसके पैर छूकर उससे आशीर्वाद लेती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और कलावती की पांचों बहुएं घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और इन पांचों की शादी को 6 महीने हो जाते हैं। माँ जी देखिए ना, सुबह से मेघा और परीक्षा को उल्टी पर उल्टी हो रही है, लगता है उनकी तबीयत खराब है। परीक्षा, क्या तुम दोनों का जी मचल रहा है? और कुछ खट्टा खाने का भी मन हो रहा है? जी माँ जी। हे माता रानी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे घर में 2 नन्हे मुन्ने खिलौने आने वाले हैं, जिनके साथ मैं खूब खेलूंगी। मेघा और परीक्षा, तुम दोनों माँ बनने वाली हो। कलावती की बात सुन मेघा परीक्षा बहुत खुश होती हैं और ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं, जिसके बाद घर में सबको पता चलता है कि मेघा परीक्षा के साथ साथ सुमन, पूजा और पूनम भी गर्भवती हैं। पांचों बहुओं के गर्भवती होने की वजह से कलावती बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी गरीब की जिंदगी में खुशी सिर्फ 2 पल की ही होती है। लाला जी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम पांचों भाई बरसों से आपके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं और आज आप हम पांचों को नौकरी से निकाल रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम पांचों मेरे पास बचपन से ही नौकरी कर रहे हो, लेकिन बदलते समय के साथ अब मार्केट में इन सभी कामों के लिए मशीनें आ गई हैं, तो मैं तुम क्यों 5 मजदूरों से काम करवाकर अपना पैसा बर्बाद करूं? इसलिए मैं तुम सभी मजदूरों को काम से निकाल रहा हूं। ये लो इस महीने की तनख्वाह, और कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। पांचों बेटे निराशा चेहरे पर लेकर अपने घर लौटते हैं, जहां वो सभी बात अपने परिवार वालों को बताते हैं। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? घर के इतने सारे खर्चे हैं, ऊपर से हम पांचों भी गर्भवती हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पूरे गांव में कहीं पर भी रोजगार नहीं है, ऐसे में क्या करेंगे? गांव में रोजगार नहीं है, इसलिए हम पांचों भाई ने सोच लिया है कि हम पांचों शहर जाकर कोई नया काम शुरू करेंगे। हाँ माँ, हमने तो सुना है कि शहर में काम की कोई कमी नहीं है, वहाँ कम काम के साथ साथ अच्छी तनख्वाह भी है, हमें मिल जाएगी सब कुछ, और आप देखना हम सबकी जिंदगी कैसे बदलती है। बेटा, धीरे धीरे सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, ऐसे मौसम में तुम लोग शहर में कैसे रहोगे? हमारा तो कोई वहां जान पहचान वाला भी नहीं है। माँ जी ठीक कह रही हैं, आप यहीं कहीं गांव में ही कोई ना कोई काम देख लीजिए। तुम सब लोग उस चीज की फिक्र मत करो, हम पांचों साथ में ही रहेंगे, बस तुम सब अपना और माँ का ख्याल रखना, हम जल्द से जल्द कामयाब होकर गांव आप वापस लौट के आएंगे। जिसके बाद कलावती और उसकी पांचों बहुएं अपने बेटे और पतियों को नम आंखों से विदा करती हैं। कुछ हफ्तों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन बढ़ती ठंड की वजह से अब कलावती की बहुओं की हालत खराब होने लगती है। हे भगवान, ये तो हमें कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। ठंड में शरीर पर ढकने के लिए गर्म कपड़ा नहीं है, ऊपर से इन दोनों की तबीयत भी खराब है, अब मैं क्या करूं? माँ जी, घर में थोड़ा सरसों का तेल रखा हुआ है, मैं उसे गर्म कर लाती हूँ और इनके हाथ पैरों की मालिश कर देती हूँ, शरीर में थोड़ी गर्मा हट आ जाएगी ताकि तबीयत भी थोड़ी सुधर जाएगी। मेघा इतना बोल ही रही होती है कि तभी उनके दरवाजे पर खटखटाहट होती है। मेघा जैसे ही दरवाजा खोलती है, गिरधारी लाल जी, आप यहाँ?
हाँ, तुमने अपने पांचों बेटों की शादी के लिए जो मुझसे पैसे उधार लिए थे, शायद तुम उसे लौटाना भूल गई। यही याद दिलाने आया हूँ। चलो मेरे पैसे निकालो। गिरधारी लाल जी, मेरे पांचों बेटों की नौकरी छूट गई है। वो नई नौकरी की तलाश में शहर गए हुए हैं। उनके आते ही मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। 5 महीने हो गए हैं और तुमने अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया है। मैं तुम पर और विश्वास नहीं कर सकता। अभी का अभी ये मकान खाली करो, वरना मैं तुम सबको धक्के मार कर घर से निकाल दूंगा। गिरधारी लाल जी, मेरी पांचों बहुएं गर्भवती हैं और हमारे पास कोई गर्म कपड़े भी नहीं है। ऐसे सर्द मौसम में मैं अपनी बहुओं को लेकर कहाँ जाऊंगी? थोड़ा रहम कीजिए। कलावती के आंसू पांचों बहुओं की हालत देख कर भी गिरधारी लाल को उन पर तरस ही नहीं आता और वो उन्हें सर्द मौसम में घर से बेदखल कर देता है और पैसों के बदले में उनका घर हड़प लेता है। कलावती अब पांचों बहुओं के साथ इधर से उधर भटक रही होती है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, जिसके चलते पांचों बहुएं कपकपा रही होती हैं। माँ जी, बहुत ठंड लग रही है, अब तो चलने की भी हिम्मत नहीं बची है। बहुओं, वो देखो वहां पर जो खेत है, एक काम करते हैं, हम सब आज रात उस खेत में पड़ी सूखी घास में ही रात गुजार लेते हैं। सुबह होते ही हम लोग कहीं ना कहीं रहने का इंतजाम कर लेंगे। पांचों बहुएं और कलावती उस खेत में जाती हैं और सूखी घास को ओढ़कर सो जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है, इस सूखी घास में तो मुझे बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगी। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई कम्बल ओढ़कर सो रही हूँ। ठंड तो मुझे भी बिल्कुल नहीं लगी। परीक्षा बहू, तू क्या इतनी गहराई से सोच रही है? क्या कोई बात है? माँ जी, मैं सोच रही थी कि इस सूखी घास से हम लोगों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। क्यों ना हम इस सूखी घास से ही अपने लिए एक झोपड़ी बना ले और उस झोपड़ी में रहें। तूने तो बड़ी अच्छी तरकीब सोची है बहू। जिसके बाद कलावती जंगलों से कुछ बांस के डंडों को इकट्ठा करती है। वहीं कलावती की बहुएं खेतों से सूखी घास और सब सामान इकट्ठा हो जाने के बाद पांचों बहुएं और सास मिलकर कई घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार अपनी सूखी घास की झोपड़ी का घर बना ही लेते हैं और उसके अंदर जाकर रहने लगती हैं। माँ जी, आखिरकार हमारा घर बनकर तैयार हो गया। हाँ बहू, तुम पांचों की मेहनत आखिरकार रंग लाई, लेकिन अब मेरी बारी है। कलावती अब लोगों के घरों में काम करती है और अपनी पांचों बहू की देखभाल करती है। ऐसे ही 9 महीने गुजर जाते हैं और पांच बहुएं अपने बच्चों को जन्म देती हैं। ऐसे ही एक दिन जब बहुएं अपने बच्चों और सास के साथ अपनी घास की झोपड़ी में बैठी होती हैं कि तभी वहां उन सबके पति आ जाते हैं। आप? माँ, हम लोग आ गए। माँ हमें माफ कर देना, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। गांव वालों से हमें आप सबके बारे में पता चला कि आप लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब हम आ गए हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई भाई गांव में ही अपना एक नया कारोबार शुरू कर देते हैं और जल्द ही पांचों भाई मिलकर सबके रहने के लिए एक बड़ा सा मकान भी तैयार करते हैं, जिससे कब उन सब की जिंदगी बदल जाती है और अब वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।